देखते रहिए यूबीएन जीरो एट गुना से योगेश लोधा की विशेष रिपोर्ट। आज पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा द्वारा बदमाशों की आपराधिक गतिविधियों पर पूर्णतः अंकुश लगाए जाने एवं उनकी धरपकड़ सुनिश्चित किए जाने के लिए निर्देश दिए गए थे। थाना प्रभारी धन्नावदा नीरज बिरथरे द्वारा अपनी टीम के साथ सुकेट हाईवे पर गश्त करते हुए सुबह 4 बजे गादेर गुफा के सामने एक ऑटो रिक्शा में 4 से 5 व्यक्ति चोरी की बैटरी लेकर एबी रोड गुना की ओर आ रहे थे। 7 लाख रुपए के चोरी के माल के साथ गिरफ्तार करने में धन्नावदा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। देखते रहिए यूबीएन जीरो एट, ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। पहली सफलता एक जीतू और जितेंद्र मीना को गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर कुल 17 अपराध है और इसकी 4 लूटों में इसकी तलाश थी। 35,000 का ये इनामी था। जामनेर पुलिस ने इसको गिरफ्तार करके और साथ में एक बंदूक और 10 जिंदा राउंड भी मिले हैं। दूसरी सफलता, मैंने जैसे कहा कि 17 मुकदमे इसके ऊपर पहले से भी थे। दूसरा इसके ऊपर जो सफलता थी उसके अंदर एक धरनावदा थाना क्षेत्र अंतर्गत बैटरी चोर का गिरोह जो है वो पुलिस ने पकड़ लिया है। इसके अंदर ये चोर जो है वो धरनावदा क्षेत्र से बैटरी चोरी करके लेके जा रहे थे एक चोरी की ऑटो में, जिसके अंदर तार और बैटरियां भी थी, तो उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। ये लोग जो है वो धरनावदा विजयपुर और मृगवास थाना क्षेत्र अंतर्गत जो सानी चौकी पड़ती है वहाँ पर भी इन लोगों ने अलग अलग टाइम पे चोरी किया हुआ है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और भी आगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए बाकी इनके गिरोह को भी पुलिस पकड़ने का प्रयास कर रही है। तीसरा जो मामला है वो बेसिकली कोतवाली पुलिस की तरफ से इन्होंने जो है वो मोटरसाइकिल चोरों का गिरोह पर्दाफाश किया हुआ है। इसमें कुल मिला के 18 मोटरसाइकिल चोरी की बरामद हुई है, साथ साथ ही 6 चेसिस और 4 इंजन जो मोटरसाइकिल के खोल के बिखरे हुए थे उनको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। जिसमें एक व्यक्ति जो मृगवास का था वो बेसिकली मोटरसाइकिल खरीदता था 2-2, 3-3 हज़ार रुपये में और अलग से इसके अंदर जो है वो 10-10, 15-15 हज़ार रुपये तक का प्रॉफिट कमा के और अलग अलग लोगों को चोरी की मोटरसाइकिल के इंजन और चेसिस बेच देता था। अभी हाल फिलहाल में जो इन्होंने गुना से मोटरसाइकिल बाइक्स वगैरह चुराई है वो सारी हम लोगों ने बरामद की है और भी इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हो सकता है कि ये अलग अलग जगहों पे भी एक्टिव हो, मगर क्योंकि इसके अंदर के दो आरोपी जो है वो यही के है, बूढ़े वाला जी और इसका थाना क्षेत्र के, तो मैक्सिमम इनका सक्रिय एरिया जो था वो इसी आसपास में था।